हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो होंगे। आज की वीडियो हम करेंगे गाइस उर्बन ब्लैक एंड ऑरेंज कलर में फोटो एडिट। तो गाइस जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिख रही है, तो बिफोर एंड आफ्टर दिख रही होंगे गाइस। तो गाइस इस टूल में आप अपनी फोटो एडिट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को स्किप ना करना एंड टैग ना। और गाइस हमेशा की तरह इस कलर टू का प्रीसेट दे दूंगा, प्रीसेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो गाइस लिंक पे एक पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के बिना प्रीसेट डाउनलोड नहीं होगा। तो गाइस पासवर्ड मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करना एंड टैग ना। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल पर कर देना, जिससे मैं आपको वीडियो की नोटिफिकेशन के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। और इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। आपका लाइट रूम ऐप डाउनलोड नहीं है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट में जो प्रीसेट दिख रहा है गाइस, वो प्रीसेट पे सिंपल तरीके से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद गाइस कॉपी सेटिंग करने के लिए इसके तीन डॉट पे जाएंगे, कॉपी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, मास्किंग पे राइट करेंगे गाइस और फिर राइट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको प्रीसेट की कॉपी सेटिंग कर लेना है। फिर गाइस आपको अपने नॉर्मल से फोटो में चले जाना, जैसे आपकी गाइस इस तरह की फोटो रही तो आपको तीन डॉट पे जाके पेस्ट सेटिंग कर लेना। तो गाइस आपके फोटो में ब्लैक उर्बन ब्लैक एंड ऑरेंज टोन आ जाएगा गाइस, देख सकते हैं आप। फिर गाइस आप लाइट में जाके और कलर्स में जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर फोटो में गाइस लाइट्स अलग होती है। तो गाइस आप लाइट्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कलर मिक्स टूल पे जाके ऑरेंज कलर पे जाके आप इसका जो फेस का कलर है गाइस आपका ज़्यादा डार्क हो जाए या ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो गाइस हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सैचुरेशन को कम ज़्यादा करके और हाइट और लुमिनेशन को कम ज़्यादा करके आप लाइट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर गाइस आप इफेक्ट्स पे जाके इसके हाईलाइट्स को आपको 2-2 कर लेना है, हाईलाइट्स को ग्रीन को 2-2 कर लेना है, 1-1 रहेगा तो 2-2 कर लेना है। यहाँ से गाइस फिर मास्किंग को आपको डबल टैप करके एडजस्ट कर लेना है, डबल टैप करके करना है आपको, उससे आपको मिलेगा कि आप कितने एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 86 हुआ। फिर गाइस आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। फिर गाइस ये दूसरी फोटो, इस पर भी करेंगे पेस्ट सेटिंग। तो गाइस बैकग्राउंड एक ही है, पोस्ट एक, बस पोस्ट अलग है, बाकी बैकग्राउंड एक ही है गाइस, जिसे भी देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस अगर आपको ऑरेंज टोन नहीं होना, रेड टोन हो तो गाइस आपको मिक्स टूल पे जाना है, रेड कलर पे जाके इसको इस तरह से रेड कर लेना है। हाउ को गाइस यहाँ पे -10 कर देना तो गाइस फोटो में रेड टोन भी आ जाएगा। तो गाइस ये बच जाएगा उर्बन ब्लैक एंड रेड टोन। तो गाइस ये भी एकदम प्यारा लग रहा है। तो अगर गाइस आपको ऑरेंज अच्छा नहीं लगता तो आप रेड भी चॉइस कर सकते हैं अपने मन से। तो गाइस कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा प्रीसेट पेस्ट करने के बाद। ठीक है, जैसे कि ये वाली फोटो है, ये फोटो में कैसे लगेगा प्रीसेट तो आप देख सकते हैं। तो गाइस मैंने ये फोटो का ही प्रीसेट बनाया, तो गाइस फोटो आप देख सकते हैं। तो गाइस फेस थोड़ा बराबर नहीं लग रहा है, तो गाइस हम फेस एडजस्ट करने के लिए आपको जाना है इफेक्ट टूल पे। यहाँ से गाइस जो ये हाइलाइट्स और ग्रेन, इसको 0-0 कर देना है। उसके बाद आपको शार्पिंग वाले टूल पे जाके शार्पिंग को भी 0 कर देना है, मास्किंग को भी 0 और डिटेल को गाइस आपको 12 कर देना है। और गाइस यहाँ से नोज़ का ऑप्शन मिलेगा, उसको भी 0 कर देना है। तो गाइस नोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जैसे आपको फोटो में दिख रहा हूँ नोज़ बढ़ रहा है। तो गाइस फोटो जो चेहरा है वो गाइस स्मूथ हो रही है, फोटो स्मूथ हो रही है। तो गाइस इस तरह से हम स्मूथनेस को, मतलब नोज़ को हम लगभग 25 कर देंगे, इससे हम नोज़ को बढ़ा रहे तो गाइस शार्पिंग को हम 13 कर देंगे। उसके बाद इफेक्ट टूल पर जाएंगे, यहाँ से हम क्लैरिटी को भर देंगे और यहाँ पर टेक्स्चर को हम -10 कर देंगे। अब आप फोटो देख सकते हैं कितनी ऑसम लग रही है बिफोर एंड आफ्टर। पास से भी देख सकते हैं गाइस आप फेस की तरफ देखना गाइस, फेस पे कितना फर्क आया बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस इससे आपको फेस एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट कर प्रीसेट का पासवर्ड बता। तो गाइस प्रीसेट का पासवर्ड है, सिंपल सा पासवर्ड है गाइस 0011। तो गाइस जाके प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कैसे फोटो को सेव करें। तो गाइस फोटो सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको शेयर पे जाना है, नीचे एक्सपोर्ट पे जाना है, सेव टू डिवाइस पे जाके फोटोज़ नहीं सेव करना है आपको, नीचे एक्सपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे IPG सिलेक्ट करना है और क्वालिटी गाइस आपको 100% रन देना है। यहाँ से आप वाटमार्क चाहे तो लगा सकते हैं, तो गाइस मैं वाटमार्क नहीं लगाऊंगा, तो गाइस डायरेक्ट करके राइट करके सेव कर लेना। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल पर कर देना और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो गाइस मिलते हैं फिर इसी तरह की कोई न्यू वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए बाय।